नमस्कार दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूँ एटोमी टीम वॉरियर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में फ्रेंड्स माई सेल्फ शिरन रोज मास्टर राठौड़ अगेन आपका वेलकम करता हूँ दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एटोमी में किस प्रकार से काम करें और एटोमी में सक्सेस होने के लिए डेफिनेटली जब आप किसी से मिलते हैं तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट स्पीच एक इम्प्रेसिव स्पीच कैसे डिस्कस करें किस प्रकार से आप एटोमी को रिप्रेजेंट करें और वो एटोमी के कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप फर्स्ट टाइम किसी भी नए प्रोस्पेक्ट्स के साथ शेयर करते हैं तो डेफिनेटली वो अट्रैक्ट होगा और आपके साथ ज्वाइन करेगा सो फ्रेंड्स अगेन वेलकम है आप सभी का एटोमी टीम वारियर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में और हमने टी डब्ल्यू आर फिफ्टी वन वेब सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है ऑलरेडी और ये टी डब्ल्यू आर फिफ्टी वन वेब सीरीज़ डेफिनेटली आप सभी को एटोमी ए टू जेड एजुकेशन के लिए लॉन्च की गई है बाय टीम वॉरियर के जितने भी टॉप लीडर्स हैं ग्लोबली सो डेफिनेटली टीम वॉरियर फिफ्टी वन वेब सीरीज़ का ये सेकेंड वीडियो है टी डब्ल्यू आर फिफ्टी वन वेब सीरीज़ में और इसमें हम डिस्कस करेंगे एटोमी क्या है मिनिमम शब्दों में कैसे समझाएं अपने पहले स्पीच में क्या बोलना है आपको वाट इज़ योर फर्स्ट एटोमी इंट्रोडक्शन स्पीच जो इंट्रोडक्शन स्पीच होती है उसको शॉर्ट स्पीच जो होती है थ्री टू फाइव मिनट्स की होती है मिनिमम थ्री मिनट्स ओके और उसको हम बोलते हैं एटोमी एलिवेटर थ्री मिनट स्पीच तो इसमें एटोमी का इंट्रोडक्शन मिनिमम वर्ड्स में आपको बताना है और एटोमी के बारे में ऐसा क्या बोले बोल रहे हैं जो बुलिट्स पॉइंट्स होते हैं जिनको बोला जाता है ना बुलिट पॉइंट्स सो आपकी जो लीडरशिप स्पीच है वो आपकी फर्स्ट जो एलिवेटर स्पीच है एटोमी इंट्रो स्पीच है उसमें झलकती है अगर फर्स्ट टाइम आप एटोमी के ब्लड पॉइंट्स किसी के साथ डिस्कस करते हैं बिल्कुल ईजीगा राइट वे में राइट right इन्फॉर्मेशन को अगर आप डिस्कस करते हैं सो so डेफिनेटली आप नए मेंबर को नए कंज्यूमर्स को नए प्रोस्पेक्ट्स को नए लीडर्स को एट लिस्ट फर्स्ट मीटिंग में क्लोज कर पाएंगे सो टी डब्ल्यू आर फिफ्टी वन वेब सीरीज़ के सेकंड वीडियो में अगेन वेलकम है और जितने भी हमारे नए लीडर्स हैं इस यूट्यूब चैनल पे तो रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और डेफिनेटली अभी तक एटोमी जैसी वर्ल्ड क्लास बेहतर अपॉर्चुनिटी अगर आपने ज्वाइन नहीं की तो आप टीम वॉरियर के साथ ज्वाइन कर सकते हैं आपको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का पूरा सपोर्ट मिलेगा ग्लोबली सो फ्रेंड्स चलिए डिस्कस करते हैं अब हम एटोमी क्या है मिनिमम शब्दों में कैसे समझाएं दैट इज कॉल्ड एटोमी एलिवेटर थ्री मिनट स्पीच ओके तो शेयर राइट इंफॉर्मेशन शॉर्ट इम्पैक्टफुल इंटरेस्टिंग स्पीच तो फर्स्ट टाइम आप किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं तो छोटी स्पीच होनी चाहिए बिल्कुल शॉर्ट और जो शॉर्ट वर्ड्स होंगे दैट शुड बी इम्पैक्टफुल ओके और जो आपके फ्रंट में प्रोस्पेक्ट्स है ही मे बी मोर इंटरेस्टिंग टू लिसनिंग यूर स्पीच तो आपको कौन कौन से चार बुलेट पॉइंट्स पे फोकस करना है फर्स्ट टाइम फर्स्ट इंट्रोडक्शन एटोमी अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं तो फर्स्ट यूनिकनेस ऑफ द कंपनी सेकेंड पॉइंट है हमारा फाउंडर एंड हिस्ट्री एंड थर्ड है सक्सेस स्टोरी ऑफ इलेवन ईयर्स फोर्थ है एटोमी विजन सो यूनिकनेस ऑफ कंपनी के बारे में आपको कौन कौन से पॉइंट्स बताने हैं फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट्स हमारा यूनिकनेस ऑफ द कंपनी कंपनी यूनिक क्यों है पिछले ग्यारह साल से कंपनी बाईस कंट्रीज में चल रही है और सिक्सटी प्लस कंट्रीज़ में प्री लॉन्च फ्री रजिस्ट्रेशन फ्री मेंबरशिप ओपन हो चुका है ऑलरेडी ओके okay. <coughs> तो यूनिकनेस ऑफ दी कंपनी के कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं दस बुलेट पॉइंट्स हैं ये आप शेयर करते हो फर्स्ट आपको बताना एबसोलुट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एटोमी के पास एब्सोलुट क्वालिटी एब्सोलुट प्राइस और एब्सोलुट क्वांटिटी के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं जो आपको एटोमी के ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पर मिल रहे हैं एटोमी खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती एटोमी एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है सेकेंड है एटोमी की हिस्ट्री जो है पिछले ग्यारह साल से सर स्टेबल रही है और कंपनी अपने एथिक्स के ऊपर काम करती है और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है जिसके बदौलत पूरे वर्ल्ड के अंदर फ्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दी जाती है एटोमी की ऑनलाइन सक्सेस एकेडमी सेमिनार्स ऑफलाइन सेमिनार्स एटोमी इंडिया के सेमिनार्स तो सारे की सारी चीज़ें एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करती है और एटोमी का जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम है बहुत ही स्ट्रॉग है वर्ल्ड वाइड ओके नेक्स्ट मल्टीपल पे आउट आप यहाँ पे मल्टीपल पे आउट ले सकते हैं जनरल कमीशन की बात करूँ तो फोर पे आउट्स मास्टरशिप बोनस की बात करें तो टू पे आउट्स और प्लस में सेंटर है टू पे आउट्स ओके तो कुल मिलाकर के छः पे से ज़्यादा आप मंथली बेसिस पे ले सकते हैं यहाँ पे ओके नेक्स्ट बात करेंगे हम ग्लोबल मेंबरशिप की फ्रेंड्स आप इंडिया में ही नहीं आप अपना जो बिज़नेस राइट नाउ अस्सी से ज़्यादा कंट्रीज़ में आप ले करके जा सकते हैं राइट नाउ ओके सिंगल आईडी ग्लोबल आईडी ग्लोबल बिजनेस एक्सपेंड आप लोग कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर आप अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं सिंगल आई ग्लोबल मेंबरशिप के माध्यम से और ये एक एथिकल कंपनी है और वैल्यू बेस्ड कंपनी है जो अपने एथिक्स के ऊपर काम करते हैं कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट है जिसकी वजह से कंपनी आज 11 सालों में पूरे वर्ल्ड में छा चुकी है और एक बहुत ही एथिकली कंपनी है बहुत ही वैल्यू बेस्ड कंपनी है फ्रेंड्स ओके वेल बैलेंस बिजनेस प्लान कंपनी का पिछले ग्यारह सालों से जो बिज़नेस प्लान है वो यूनिक रहा है बिल्कुल बैलेंस प्लान रहा है जिसकी बदौलत लाखों लोग यहाँ पे करोड़पति बन चुके हैं कंपनी में ग्लोबली बात करें तो हम ओके okay. नेक्स्ट पॉइंट है जी एस जी एस एंड मास्टिज फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे एटोमी जी एस जी एस फार्मूला पर काम करती है ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स पूरे वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स एटोमी पिक करती है वन प्रोडक्ट विद वन कंपनी वन प्रोडक्ट विद वन पार्टनर ओके सो उन प्रोडक्ट्स को पूरे वर्ल्ड में एटोमी के ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के माध्यम से सेल आउट्स किए जाते हैं सो दैट इज कॉल्ड मास्टिज स्ट्रेटजी प्रोडक्ट तो कंपनी का एक ही उद्देश्य रहता है मास में प्रोडक्शन प्लस में प्रेस्टीज क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कॉस्ट को रिड्यूस करके यानी कि कॉस्ट मिनिमाइज हो सके तो उस मास्टिज स्ट्रेटजी पे कंपनी काम करती है और एब्सोलूट क्वालिटी एब्सोलुट प्राइस के जो प्रोडक्ट्स हैं आप तक पहुँचते हैं एटोमी के ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के माध्यम से ओके सो नेक्स्ट मैं बात करूँ प्रोडक्ट्स एंड इफेक्टिव कनेक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर्स वर्ल्ड वाइड और जिस प्रकार से कंपनी जी एस जी एस और मास्टिज स्टेट को फॉलो कर रही है उसके माध्यम से जितने भी मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं और उनका कंज्यूमर्स के साथ जो कनेक्शंस रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है इफेक्टिव कनेक्शन होता है और इट इज़ ए प्रीमियर कंपनी एथिकल कंपनी एंड मॉरल बेस्ड कंपनी और ये एक प्रीमियम कंपनी है जिसका मेन उद्देश्य है कि एटोमी को पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब बनाना और सिंपली एथिकल कंपनी है मॉरल वैल्यू बेस ये एक कंपनी है नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे सेकंड फाउंडर की हिस्ट्री तो डेफिनेटली फ्रेंड्स हमारे जो सी ओ हैं डॉक्टर हैंगल पारक हैं जो कि पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी संस्था है जिसको बोलते हैं हम डब्ल्यू एफ डी एस ए तो सी ओ काउंसिल के मेंबर हैं डब्लू एफ डी एस ए के और कोरिया में राइट नाउ कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के ये प्रेजिडेंट भी हैं और फिफ्टीन टू एटीन ये वाइस प्रेजिडेंट कुरियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन से जुड़े थे उस टाइम वाइस प्रेजिडेंट थे उस टाइम और 2013 से वाइस प्रेजिडेंट कुरियन सोसाइटी ऑफ फूड एंड साइंस इंस्टीट्यूट के भी रहे हैं और डेफिनेटली फोर्स एंड फॉर्चून जैसी मैगजीन्स के कवर पेज पर आते रहते हैं ओके सो नेक्स्ट मैं बात करूँगा एटोमी की जो सक्सेस स्टोरी है वो ग्यारह साल की सो so, एटोमी के जो सी ओ हैं वो डब्ल्यू एफ डी एस ए की काउंसिल के मेंबर हैं और राइट नाउ डायरेक्ट सेलिंग की जो टॉप हंड्रेड कंपनी की जो लिस्ट है 2020 में एटोमी ग्यारहवीं पोजिशन पे थी और एटोमी को ग्रेटेस्ट प्लेस टू वर्क का अवार्ड मिल चुका है जो कि ग्रेटेस्ट प्लेस टू अवार्ड जो है वर्क इन एशिया ये अवार्ड लास्ट ईयर मिला है एशिया के अंदर बेस्ट प्लेस काम करने के लिए एटोमी डेफिनेटली प्राउड मोमेंट है और ग्लोबली 1.6 मिलियन ग्लोबल मेंबरशिप अभी तक के हो चुके हैं करोड़ साठ लाख से ज्यादा बिलियन डॉलर का सेल्स हुआ है ग्लोबली और एट प्रेजेंट हम कंट्रीज में ओपन हो चुके हैं और 60 प्लस कंट्रीज में प्री लॉन्च में फ्री मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और एटोमी फर्स्ट कंज्यूमर सेंट्रेड मैनेजमेंट जो सर्टिफिकेट है वो ऑलरेडी कंपनी को मिल चुका है कंपनी का कंज्यूमर सेंट्रेड मैनेजमेंट है यानी कि एक कंज्यूमर को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है उसके सेटिस्फैक्शन से लेकर सक्सेस तक कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी को ये सी का जो अवार्ड्स है ये मिल चुका है और ये लोट ऑफ अवार्ड्स मिल चुके हैं जैसे कि एक्सपोर्ट टावल अवार्ड्स मैनी टाइम्स कंपनी को मिल चुका है और अभी तक नो इम्पियल मास्टर कंपनी के हैं ग्लोबली एटोमी की बात करूं जिनका जो अर्निंग है पर मंथ फिफ्टी थाउजेंड डॉलर से ज़्यादा का वो लोग अर्न कर रहे हैं ओके सो डेफिनेटली फ्रेंड्स विजन की बात करूं नेक्स्ट एलिवेटर स्पीच का लास्ट पार्ट है एटोमी का जो विजन है कस्टमर्स सक्सेस ओरटेडेड कंपनी है जैसा कि हमारा जो मेन उद्देश्य है कस्टमर्स सक्सेस बियॉन्ड सेटिस्फैक्शन ओके सो so, सेटिसफेक्शन के अलावा एटोमी चाहती है कि इसके साथ जितने भी कंज्यूमर्स जुड़े वो यहाँ से जुड़ करके एक सक्सेस को प्राप्त हो चुके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन चुके और एटोमी का जो एम है पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब बनने का है जिसके डायरेक्शन में हम सभी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और हमारे चेयरमैन डॉक्टर हैंनगिल पार्क पर काम कर रहे हैं और बींग कंटिन्यूटी स्पीड एंड बैलेंस एटोमी का जो विजन है कंटिन्यूस चलते रहना है स्पीड ओ बैलेंस करके चलना है तो कंपनी स्पीड से चल रही है कंटिन्यूस चल रही है और हर चीज़ को बैलेंस करके चल रही है ये कंपनी का कंटिन्यूटी स्पीड और बैलेंस है डेफिनेटली लाजवाब है और कंपनी इस डायरेक्शन में काम कर रही है सभी चीज़ों को मेंटेन करके बैलेंस करके नेक्स्ट <coughs> बात करूँ विजन की फ्रेंड्स तो फ्यूचर के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ रही है एक्सआर फोर डी ए आई पर्सनल प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक फेसबुक और एटोमी फिट विजन एटोमी ऐजा माल एटोमी ग्लोबल शॉपिंग ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है ऐजा भी लॉन्च हो चुका है और एटोमी मेटावर्स दुनिया भर की नई नई टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स आने वाले टाइम के अंदर आ रही है कहा जाता है कि जहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है जहाँ भी और उसको मैक्सिमम लोग मास में अडोप्ट करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को और एटोमी पूरे वर्ल्ड के अंदर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बनने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर और ऑलरेडी हम बन चुके हैं और इस दिशा में और प्रोग्रेस कर रहे हैं और एटोमी का जो एम है लास्ट बट नॉट लिस्ट कंज्यूमर्स सेटिस्फैक्शन बियड देयर सक्सेस कंज्यूमर्स के सेटिस्फैक्शन के साथ साथ उनके सक्सेस के लिए भी फ्रेंड्स एटोमी काम कर रही है तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच ये थ्री मिनट का एलिवेटर स्पीच है और इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने दिए गए हैं एटलीस्ट आप जब किसी के साथ फर्स्ट मीटिंग करें तो उसमें से मेन मेन पॉइंट्स के ऊपर आप बात कीजिए एटोमी विजन के बारे में एटोमी की सक्सेस स्टोरी के कुछ पॉइंट्स हैं ये डिस्कस कीजिए हमारे डॉक्टर हैंडगिल पार्क जो चेयरमैन है एटोमिक उसके बारे में कुछ बताइए और कंपनी यूनिक क्यों है दूसरी कंपनीज से बेहतर किस प्रकार से है ये कुछ पॉइंट्स होते हैं एटोमी एलिवेटर थ्री मिनट स्पीच के और मेरी स्पीच में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है उसके ऊपर ना जाएं मैंने ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई है और नेक्स्ट वीडियो जो एटोमी एलिवेटर थ्री मिनट स्पीच है उसमें से आप किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे सो टीम वॉरियर के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी वीडियोज़ फ्रेंड्स आपको देखने हैं और उस तरीके से आपको अपनी एलिवेटर स्पीच रेडी करनी है मिनिमम थ्री मिनट टू फाइव मिनट एट लीस्ट ओके सो डेफिनेटली आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को पूरी टीम के अंदर शेयर कीजिए ताकि टी डब्ल्यू आर फिफ्टी वन सीरीज़ के माध्यम से इंडिया के अंदर एटोमी की राइट वे में राइट इन्फॉर्मेशन मिले और अभी तक आपने ये एटोमी ज्वाइन नहीं किए तो डेफिनेटली टीम वाले के साथ आप ज्वाइन कीजिए आपको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का पूरा सपोर्ट मिलेगा थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स थैंक यू